हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिस आ चुका है और एग्जाम नोटिस में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट कई सारे डाउट्स आप लोगों के मन में है। तो ये जो प्रॉपर वीडियो है ना, ये केवल डाउट्स क्लियर करने के लिए, जो भी डाउट्स आपको आपके अंदर चल रहा है, जो मेरे पास में आप लेके आए हो, जैसे एज लिमिट के रिगार्डिंग है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स इसके अलावा जो भी है, क्योंकि मैंने कल से अभी तक देखे हैं, तो सारे डाउट्स अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको कहा पहले से कि 24 जून कल आपका नोटिफिकेशन आया और 25 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है, मतलब कि काफी टाइम आपके पास में है अप्लाई करने के लिए। तो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना अप्लाई करने के लिए, आराम से अप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपन बात कर लेते हैं एज की, है ना। एज लिमिट को लेकर के बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई एज लिमिट क्या होगी, मतलब कि हम कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, हमारा बर्थडे जो आ रहा है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ना ये चीज समझना है कि आपका बर्थडे कब आता है, ये तो आपको पता ही होगा कि आपका बर्थडे कब आता है। अब अपन उसके ऊपर बात करें, देखो चार अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं एज लिमिट में, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जेएसओ के लिए, है ना। देखो सबसे पहली बात तो बहुत कम बच्चों को पता होगा जेएसओ जो पोस्ट है ना, इसकी एज लिमिट 32 ईयर्स होती है, मतलब कि जेएसओ के लिए तैयारी कर सकते हो 32 साल तक, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है एज के अकॉर्डिंग, उम्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अपना बर्थडे याद रखना है। अब मैं आपको एक रेंज बताऊंगा, डेट की, उस रेंज में अगर आप आ रहे हो तो इसका मतलब आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो रेंज क्या है, एक डेट है 2 अगस्त 1992, यहां से चलेंगे तो 1 अगस्त 2006। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये डेट है 2 अगस्त 1992 और 1 अगस्त 2006, इन दोनों डेट के बीच में अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आप इस पोस्ट के लिए जेएसओ के लिए एलिजिबल हो। और अगर इस डेट पे भी अगर आपका बर्थडे आ रहा है, मान लो कि 2 अगस्त 1992 भी अगर आपका बर्थडे है तो भी आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है या इन दोनों डेट को भी अगर आपका बर्थडे आता है तो आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट यहाँ पे रहते हैं कि जेएसओ के लिए हमको अलग से अप्लाई करना है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। देखो जब आप फॉर्म भरोगे ना तो फॉर्म में 26.1, 26.2 ये दो ऑप्शन आने वाले हैं, इन दोनों में आपको यस कर देना है, यस पे टिक कर देना है। तो जो आप अप्लाई कर रहे हो एसएससी सीजीएल 2024 को, जो एप्लीकेशन फॉर्म है जहां पे आप अप्लाई करोगे, उसी में ये दो पॉइंट आने वाले हैं, यहां पर आप अप्लाई कर देना, तो आप वहीं पे अप्लाई कर दोगे, यस जरूर कर देना उसको, ठीक है। तो ये हो गया जेएसओ के लिए। और अगर आप देखो 30 पार कर चुके हो ना तो आपके लिए अच्छा चांस है, क्योंकि इस बार वैकेंसी 725 है। 725 वैकेंसी कहां से है वो भी मैं ऑफिशियल नोटिस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है। हाँ, जैसे पूछा भी था किसी ने, शुभेंदु चक्रवर्ती ने पूछा था कि जेएसओ की ऑफिशियल वैकेंसी कितनी है, तो देखो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ये ऑफिशियल नोटिस है, 2 अंडर सेक्रेटरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कौन दे रहा है ये, महालिंगारे डिप्टी डायरेक्टर SSS, मतलब की सबॉर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विस मिनिस्ट्री की तरफ से ये गया हुआ है, ऑफिशियल नोटिस दिख रहा है, ठीक है। 17 मई 2024 को आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 725 वैकेंसी दिखा रहा है, मतलब कि टोटल 725 वैकेंसी। ये जो सब कुछ अपडेट्स है ना, मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पर चले जाओ, यहाँ आपको इस प्रकार के अपडेट्स तुरंत मिल जाते हैं। देखो क्या होता है ना, हर चीज का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमको जिसको भी डॉक्यूमेंट है कुछ भी ऐसी चीजें पता चलती है तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देते, तो अगर आप नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं, देखो अगर आपको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, यूआर की जो वैकेंसी 253 है, ठीक है। एससी की जो वैकेंसी है वो 115 है, एसटी की वैकेंसी कितनी है 63, ओबीसी की वैकेंसी यहाँ पे 219 और ईडब्ल्यूएस की 75 वैकेंसी, ठीक है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देख सकते हो, आपको पता होगा कि ये ब्रेकअप है जो यहाँ पे लिखा हुआ, हो सकता है बारीक बारीक आपको शायद ना दिख रहा हो, तो यहाँ पे लिख दिया ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी यूआर की 253 वैकेंसी। आपको याद होगा सीजीएल 2022 में 0 वैकेंसी थी, तो लोग बोलने डरने लग गए थे कि यार यूआर कैटेगरी से है, पता नहीं क्या होगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, एज फार एज जेएसओ इज कंसर्न, जेएसओ की तो बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी आने वाले समय में भी,
है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि टोटल अभी 878 वैकेंसी है टोटल अवेलेबल है, जिसमें 725 ही रिपोर्ट की है, तो वैकेंसी अच्छी खासी है। ठीक है, इसके अलावा जो वीएच कैटेगरी है, ओएच है और एचएच है, तो वीएच में 8 वैकेंसी है, ठीक है, ओएच में 7 वैकेंसी है और एचएच में भी 7 वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर आप विजुअली हैंडीकैप्ड हो, ओएच एचएच इस कैटेगरी में आते हो, तो यहाँ पर भी ये पहली बात तो ये पोस्ट होती है आपके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, और ये वैकेंसी इसका ब्रेकअप है, तो ये एक्चुअल वैकेंसी है। अच्छी, एसएससी ने अभी वेबसाइट पे अपना टोटल वैकेंसी अपडेट डाला नहीं है, उसमें भी तुरंत आ जाएगा, लेकिन ये ऑफिशियल डेटा है ना। ठीक है, और इसके अलावा जेएसओ के लिए अगर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी जानना है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है ये वाला, इस वीडियो को जाकर देख लेना, यहाँ पर मैंने हर स्टेट की वैकेंसी बताई है, हर स्टेट की, तो पर्टिकुलर आपकी स्टेट में हो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। ठीक है, और अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए प्रिपेयर करना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पेपर होता है, जैसे अगर आप जेएसओ के लिए अप्लाई करोगे, जैसे मैंने बताया अभी, अप्लाई करने के बाद में आपको अगर इसके लिए अप्लाई करते हो, तो आपको स्टैटिस्टिक्स टीयर टू में पेपर टू होता है वो देना पड़ेगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, मतलब मिनिमम मार्क्स तो लाने, पर स्कोर करोगे तो अच्छा है, आपको रैंक अच्छी लग जाएगी, तो वो अगर पेपर दोगे तो आप जेएसओ के एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो एक पेपर अलग से पढ़ना होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन के लेवल का होता है, बहुत टफ तो नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है, बट हमने कोर्स ऐसा डिजाइन किया है कि एनिमेशन वीडियो लेक्चर से कम वीडियो में आपका काम हो जाता है, और पूरा फोकस पर्सनल गाइडेंस पे रहता है, मतलब मेरा पर्सनली आपको आपके सॉल्यूशंस, आपके क्वेरीज क्लियर करता हूँ यहाँ पे। ये कंप्लीट कोर्स, वीडियो कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस कोर्स में अगर एनरोल करोगे तो जेएसओ 2024 ये कूपन कोड है, ये अप्लाई कर देना, तो आप इसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कूपन कोड आप लगा देना, तो आपको अच्छा खासा उसमें डिस्काउंट हो जाएगा, और कंप्लीट कोर्स है। और अगर आप देखोगे कि लास्ट ईयर 2023 में बहुत सारे बच्चे इसी कोर्स से सिलेक्ट हुए, 2022 में भी, 21 में भी, 19 में भी, मतलब आप मोस्टली स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो हमारे बैच से मिलेंगे एज ए जेएसओ काम कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है, जहां पर आपको 20 से 30 साल दिया हुआ है और 18 से 30 साल दिया है, यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 30 साल के हो रहे हैं, तो मैं फिर से एक रेंज ऑफ डेट लिखूंगा, रेंज लिखूंगा, उस रेंज में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली डेट क्या है, 2 अगस्त 1994, अगर इस डेट से चलें, और 1 अगस्त 2004, इन दोनों डेट के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है, या इन इस डेट को भी अगर आपका बर्थडे आ रहा है और इस डेट को भी आपका बर्थडे आ रहा है, तो वो भी आप एलिजिबल हो। किस पोस्ट के लिए, सारी पोस्ट के लिए, जिन पोस्ट के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट है ना, मतलब कि ग्रुप बी ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, उन सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, अगर आपका बर्थडे जो है वो इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में आता है, इस चीज को ध्यान रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें ग्रुप सी वाले, जितनी भी ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मतलब ऑडिटर हो गया आपका, टैक्स असिस्टेंट हो गया, है ना, यूडीसी हो गया, तो उसके लिए एज लिमिट होती है 27 साल ही होती है, उसके लिए 30 साल नहीं होती है। तो इसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके लिए मैं दो डेट लिख देता हूँ, रेंज लिख देता हूँ। पहली तो है 2 अगस्त 1997, यहां से अगर चलेंगे तो 1 अगस्त 2006, ठीक है, इस रेंज में अगर आप आ रहे हो, या इस डेट को भी आपका बर्थडे आया, मतलब जो बर्थडे है वो इन दोनों तारीखों के बीच में आ रहा है, या फिर इस तारीख को या इस तारीख को आपका बर्थडे आता है, तो आप सारी ग्रुप सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने ये चीज क्लियर कर दी है कि आपको एज लिमिट की प्रॉब्लम नहीं, कि एज लिमिट कैसे काउंट करनी है, कैसे देखना है, ये बहुत बड़ा इश्यू होता है, बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, वो अपना बर्थडे लिख देते हैं कॉमेंट में, या मुझे पर्सनली लिखते हैं कि मेरा बर्थडे इस तारीख को है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो यार थोड़ा सा समझना जरूरी है आपको खुद को भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाकी सारी पोस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली डिग्री की बात है, ओके, तो अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, बहुत सारे बच्चों को ये भी क्लियर नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि भाई हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो किसी और फील्ड में होना चाहिए क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर आपने जितनी भी पोस्ट है, जितनी भी सारी पोस्ट है अपार्ट फ्रॉम जेएसओ, केवल जेएसओ को अलग कर दें अगर, और एसआई ग्रेड टू को अलग कर दें, इसका मैं बताऊंगा अभी अभी, इसके बाद बताऊंगा कि इन दोनों पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसको अगर अलग कर दोगे तो बाकी जितनी भी पोस्ट है सबके लिए क्या मांगा है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट, है ना, तो सीधी सी बात है कि आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब ग्रेजुएशन कब चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2024 को कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब कि 1 अगस्त 2024 को
इस साल जो आने वाली तारीख, उस तारीख को आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों में डाउट रहता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से क्या मतलब, क्या समझेगा, डिग्री आना चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मार्क्स मतलब आपकी एग्जाम हो गई, आपका रिजल्ट आ गया है ना। तो रिजल्ट जब आता है ना, जरूरी नहीं रिजल्ट आया उस दिन आपकी आपको डिग्री ही मिल जाए, मार्कशीट भी चल जाती है, प्रोविजनल डिग्री भी हो सकती है ना। तो प्रोविजनल डिग्री में आप एक काम कर जाती है, बस आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और रिजल्ट में आपको पास दिखाना है, आपको ग्रेजुएट दिखाना है। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए, सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप बात करें जेएसओ के लिए, तो जेएसओ की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होती है, तो बहुत सारे डाउट यहीं पे क्लियर कर दूंगा मैं भी, ठीक है। देखो अब अगर बात करें जेएसओ की, तो दो में से एक सेटिस्फाई करना है। यहाँ पर एक कंडीशन ये दी हुई है 8.1.1, इसमें पहली कंडीशन ये दी हुई है और दूसरी कंडीशन ये दी हुई है, तो आपको दोनों सेटिस्फाई नहीं करना, आपको कोई सी भी एक करना है। तो पहली वाली क्या है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फॉर्म डिग्री, मतलब कोई भी कहीं से भी आपको ग्रेजुएशन तो करना ही है ना, क्योंकि ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, तो आपको ग्रेजुएट तो होना ही है, बट आपके 12th में मैथ्स होना चाहिए, 12th में मैथ्स होना चाहिए और मैथ्स में 60% मार्क्स होना चाहिए, है ना। तो मान लो कि आपके 100 नंबर का पेपर है 12th में, उसमें से आप 60 ले आओ, या अगर 50 नंबर का पेपर है तो आप 30 ले आओ, मिनिमम 30 ले आओ, 30 से 31 चल जाएगा, 32 चल जाएगा, मतलब मिनिमम आपके 60% मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए 12th में। अगर मान लो आपने 12th नहीं पढ़ा है, तो फिर एक अगली कंडीशन आप सेटिस्फाई कर सकते हो कि ग्रेजुएशन में आपने स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हमने हमारी मार्कशीट में लिखा हुआ नहीं है, है ना। कई बार क्या होता है, मार्कशीट में क्या लिखा होता है, फॉर्मल स्टैटिस्टिक्स, है ना, या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ, फॉर्मल स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, उस कॉलेज में मान लो, एक पेज ऐड कर लेते हैं, कैसे होगा, ठीक है। अब मान लो आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, उस कॉलेज में जो आपको मार्कशीट मिली हुई है, मार्कशीट में जो मान लो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम नहीं है, ऐसे लिखा हो पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, और फिर यहाँ पर आप पेपर वन में 50 नंबर आए, किसी में 60 नंबर आए, 70 आए। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वहां पर मार्कशीट में सब्जेक्ट के नाम लिखे ही नहीं होते हैं, तो फिर आपका क्वेश्चन ये होता है कि हम ये प्रूफ कैसे करेंगे कि हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना, आप जिस कॉलेज में पढ़े हो या यूनिवर्सिटी में, जहां भी पढ़े हो, जहां से भी आप चाहो, वहां से लिखवा के ला के दे सकते हो कि आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एज सब्जेक्ट पढ़ा है। तो इसको भी डीवी में कंसिडर कर लिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली डीवी में, डीवी का पर्पज क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बैठ रहा है उनको एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, या तो आपकी मार्कशीट हो गई, है ना। तो मार्कशीट में लिखा होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा है, और नहीं लिखा है मार्कशीट में तो फिर कॉलेज से लिखवा लो, क्योंकि कॉलेज के लेटर पैड पे जो लिखा होगा वो भी तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ही है ना। कॉलेज भी आपका इंस्टीट्यूशन है, तो रिकग्नाइज कॉलेज होगा किसी यूनिवर्सिटी से, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको भी मान्यता इतनी ही मिलेगी, है ना। तो ये चीज जरूरी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, आप बी कॉम करते हो, है ना, हाँ, आपने बी एस सी किया हुआ या बी सी ए किया हुआ है, वहां पर आप कहीं ना कहीं मैथ्स पढ़ते हो ग्रेजुएशन में, तो मैथ्स का पार्ट होता है कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। एसएससी क्लियर बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, सब्जेक्ट के नाम जब लंबे लंबे होते हैं, तो हो सकता है पूरा नाम मेंशन ना किया जाए, पूरा नाम मार्कशीट में मेंशन नहीं किया, मतलब मान लो कि आपका सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये था, लेकिन मार्कशीट में केवल मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स लिखा ही नहीं है, तो भी कोई दिक्कत थी, तो भी आप एलिजिबल हो। बस आपको करना इतना ही है जो मैंने बताया कि आपको कॉलेज से लिखवा लेना है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली जिनको पता ही नहीं होता है इसके बारे में, वो ध्यान ही नहीं देते हैं और इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी से बाहर हो जाता है। आप यार जेएसओ की पोस्ट में यार 725 वैकेंसी है, ये कम नहीं होती है, गोल्डन चांस है। इसमें जो कॉम्पिटिशन होगा ना, वो टीयर वन में होगा, क्योंकि टीयर वन में बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर देते हैं और वो बैठते हैं, इसलिए कट ऑफ ऊपर चले जाता है। लेकिन जैसे आप टीयर टू में आओगे ना, तो टीयर टू में आपको बहुत कम बच्चे मिलेंगे जो अलग से स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, ये कोई पढ़ता ही नहीं है, सब्जेक्ट ऐसा है ये अलग से कोई पढ़ता नहीं है। क्यों क्यों नहीं पढ़ता है, क्योंकि आपको टीयर टू में ऑलरेडी थी सारे सब्जेक्ट्स है, टीयर टू के अंदर आपको क्वांट रीजनिंग जी इंग्लिश पढ़ना है, फिर कंप्यूटर भी पढ़ना है, फिर टाइपिंग भी करना है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं,
कि यार छोड़ दो, तो उसका आप फायदा उठाओ। अगर कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो थोड़ा सा पढ़ करके भी, थोड़ा सा स्कोर करके, एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके एक अच्छी आपको ऑफिसर लेवल की पोस्ट मिल जा रही है, तो क्या बुराई है। टीयर टू में ऐसा कॉम्पिटिशन बहुत कम मिलेगा। अगर आप लास्ट ईयर वालों से पूछोगे या उसके पिछले साल वालों से पूछोगे कि जब भी जो बच्चा स्टैट्स का पेपर देने जा रहा है ना टीयर टू में, तो आधा हॉल खाली मिलता है, आधे बच्चे तो आते ही नहीं है। तो यार इतना कम कंपटीशन है, तो करना कुछ नहीं, बस वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर एलिजिबल हो, जो मैंने बता दिया है एलिजिबिलिटी कंडीशन है, बहुत सारे बच्चे जो एलिजिबल होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम एलिजिबल है ना, और बाद में साफ निकल जाता है, फिर लकीर पीटने से मतलब नहीं है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर इसके लिए पढ़ो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ यार, ऑफिसर लेवल की पोस्ट ले लो। इस पोस्ट के बारे में बहुत सारी बातें ऐसी जो जो एडवांटेजेस है जो किसी पोस्ट में नहीं। जैसे आपको ट्रांसफर वगैरह लेना है तो थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है यहाँ पर, यहाँ पर आपको जो अलॉटमेंट होता है, जो आपकी पोस्टिंग होगी वो रैंक वाइज होती है। तो अच्छे रैंक लगाओगे तो आपको पॉसिबिलिटी कि आपको होम स्टेट मिल जाए। और मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ, अगर आप मान लो राजस्थान के रहने वाले हो, ठीक है, तो राजस्थान में रहोगे तो आपको जीएस इंस्पेक्टर मिल रहा है, वो तमिलनाडु मिल रहा है, और राजस्थान में आपको जेएसओ मिल रहा है, तो आप ज्यादा बेहतर है कि जेएसओ लोगे ना, अपने स्टेट पर रहोगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, काम करने में कन्वीनियंट है। ठीक है, सैलरी 10-12 हज़ार जो भी कम आपकी मिलेगी वही अंतर है, लेकिन अगर आप दूर स्टेट में चले जाओगे तो वो आपको बहुत अखरता है। और मैंने देखा पास्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने जॉब छोड़ छोड़ कर क्या है। ठीक है, तो यार इस चीज का ध्यान रखो, अगर एलिजिबल हो जेएसओ के लिए जरूर पढ़ो, मेरा सपोर्ट पूरा साथ में, कोर्स पूरा अवेलेबल है। कोर्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है मेरा पर्सनल सपोर्ट। अगर आप पुराने जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जेएसओ हैं उनसे पूछोगे तो वो बता देंगे कि पर्सनली मैंने डाउट सॉल्व किए एग्जाम के टाइम पे। मैं कोई काम नहीं करता हूँ एग्जाम से 10-12 दिन पहले, मैं सारे काम छोड़ देता हूँ। मेरा एक ही काम होता है आप लोगों के डाउट्स क्लियर करना, कुछ भी क्वेश्चन है कुछ भी हो तो मुझे पर्सनली पूछोगे तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको करना है, आपको पढ़ाई करना है। इसके अलावा जो नोटिस आप देखोगे ना, तो आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो 27.1 और 27.2 इन दोनों में इस पोस्ट के बारे में पूछेगा, SI ग्रेड 2 के बारे में। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पर भी आपको यस कर देना है, यस पे टिक कर देना। ठीक है, अब एलिजिबल हो ये कैसे पता चलेगा? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स में आपको ग्रेजुएशन करना है, मतलब इसे कई बार BSc स्टैटिस्टिक्स होता है ना, तो वो होना चाहिए, या BCom स्टैटिस्टिक्स होता है, जो भी होता है, मतलब BCom स्टैटिस्टिक्स मतलब ये कि आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हो तो तीनों साल में आपका स्टैटिस्टिक्स होना ही चाहिए, है ना। हर साल में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो सेमेस्टर से तो 6 बार, पर वो बात वही है कि एक्चुअली यहाँ पे और लिखा हुआ है ना। तो अगर आपने 3 साल तक पढ़ा है तो 3 साल में आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर ये आपने कर रखा है तो ये उससे भी बड़ा गोल्डन चांस है, जेएसओ से भी बड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, तो अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हो तो बस कैसे भी करके यार टीयर टू में अपेयर हो जाना। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में अगर आप 90-100 नंबर भी लिया होगा ना तो सही साथ आपकी रैंक लग जाएगी और आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगी इसमें। इस पोस्ट की भी अच्छी बात ये है, इसमें भी आपको होम पोस्टिंग मिलती है, मतलब इसमें प्रेफरेंस मांगते नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे आपने जो बच्चे अपने लास्ट 2019 या 20 का आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर जो लास्ट सबसे अच्छी वैकेंसी आई थी उसमें जो मोस्टली बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनके साथ यही हुआ था, सबको जहां जहां उनका होम पोस्टिंग थी सबको अलॉट कर दिया है ना। तो ये अच्छी बात है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसको मिस नहीं करना चाहिए। देखो बाकी पोस्ट में तो आपको बहुत सारा कॉम्पिटिशन मिलेगा, बहुत सारे लोग, पूरी भीड़ ही मिलने वाली है वहां, तो वहां तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। एक ऐसी पोस्ट यहाँ पर थोड़ा सा कम कॉम्पिटिशन और इजिली मिल जा रही है, तो वहां फोकस करने में बुराई नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जो जैसा कि मैंने बताई दिया कि जो कोर्स है वो अवेलेबल है। ठीक है, इसमें कूपन कोड लगा देना JSO 2024, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और तैयारी तो मैंने बता दिया आपको, पूरी तैयारी मेरी तरफ से मेरे पर्सनल लेवल पे होती है, तो मतलब उसके लिए आपको सोचना ही नहीं। अगर आपने एनरोल कर लिया है तो फिर आपको इस सब्जेक्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता मेरी हो जाती है। ठीक है, आपको बस जो गाइडेंस दिया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, उसको आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, तो बस इतना ही था, और भी कोई डाउट है क्वेरी है तो कमेंट्स में लिख देना, कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार, वहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना वो हम डाल देते हैं, जैसे कुछ भी RTA का रिप्लाई आया कुछ भी है तो वहां पर आपको अपडेट मालूम पड़ जाता है। तो ध्यान, चलो फिर टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, है ना, वहां पर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, क्योंकि हर चीज का वीडियो बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।